कमिश्नर अनिल कुमार की अध्यक्षता में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक शनिवार को मंडलायुक्त सभागार में आयोजित की गई। मंडलायुक्त द्वारा समीक्षा के दौरान सभी सीएमओ को निर्देश दिया गया कि जिन आशाओं के क्षेत्र में JEE AES के मरीज सबसे ज्यादा हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि JEE AES प्रभावित गाँव में शीघ्र शौचालय का निर्माण भी पूर्ण कराया जाए तथा ODF के दृष्टिगत से 30 सितंबर तक हर हाल में सभी शौचालय का निर्माण भी पूर्ण करा लिया जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिया कि जनपद में बन रहे सभी सेतुओं के निर्माण की गुणवत्ता को देखने के लिए सभी जिलाधिकारी थर्ड पार्टी निरीक्षण कराएं। मंडलायुक्त ने बाढ़ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बचाव कार्य के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कराते हुए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्होंने पॉलीथीन के रोकथाम के लिए प्रवर्तन कार्य करने के लिए भी निर्देश दिया। उन्होंने छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए उप निदेशक समाज कल्याण को समय से ऑनलाइन फीडिंग कराने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने ग्रामीण पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि जो भी परियोजनाएं खराब है उसे तत्काल ठीक कराकर संचालित किया जाए। उन्होंने दवाओं की उपलब्धता, एम्बुलेंस के संचालन, डॉक्टरों की उपस्थिति तथा संस्थागत प्रसव की समीक्षा की। कमिश्नर ने स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए बनाए जा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीकू, मैटरनिटी विंग एवं उप केंद्रों के जनपद वार निर्माण की समीक्षा करते हुए तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान कमिश्नर ने यूनिफॉर्म वितरण, सेतु निर्माण, किताबों के वितरण, 50 लाख से ऊपर की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़कों, अमृत योजना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गन्ना भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, संपूर्ण समाधान दिवस, IGRS गेहूँ खरीद में किसानों के भुगतान की स्थिति, साफ सफाई एवं LED लाइट की स्थापना, कर करेत्तर तथा एंटी भू माफियाओं आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, देवरिया अमित किशोर, कुशीनगर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, महाराजगंज अमरनाथ उपाध्याय सहित चारों जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी एवं उप निदेशक अर्थ एवं संख्या ANSARI सहित मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे। ये 25 मार्च से पेंडिंग है और देवेंद्र प्रताप सिंह मानी इनका है सदस्य विधान परिषद का 27/7/2018 से पेंडिंग है। बिल्कुल देगी एक प्रकरण पड़ा हुआ है VC GDS आपके यहाँ GDS चले जाएगा राम सिंह थे अभी जी सर जी है अच्छा अच्छा ये शरद त्रिपाठी माननीय सांसद सदस्य सर कबीर नगर इनका पड़ा हुआ है कि देखिए 13/7/18 का है ये RM का है RM के दो पेंडिंग है मुख्य विधायक लोक निर्माण वहाँ से है जी इनका ये खड़ा हुआ है इसे देखिए जो पंकज चौधरी माननीय सांसद लोकसभा 7/6 से पेंडिंग है आपका आप लगा मुझे उसकी कॉपी दीजिएगा मैं देखिए क्योंकि मैंने कल तक अपडेट किया ये बहुत पहले पंकज चौधरी साहब मैंने पहले दिया 7/6 भैया लास्ट टाइम मीटिंग में भी बताया तो नोट करके दोबारा भेज देना चाहिए था ना 7/6 का है बहुत पहले तो है ही नहीं अच्छा मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई भाग गोरखपुर और ये 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 आप ही के बारे में है मैं बता दूं जी तो इसलिए से जवाब दिलवा चीज सब चला गया सर बहुत अच्छा अरे मैंने काफी दे देना दोबारा दे काफी उसे जरा दे दीजिए या अंग्रेज चीफ साहब पास नहीं पढ़ने मेरे दारो मेरा कल तक का है लेखा दबा सर ये चीफ साहब के हस्ताक्षर से चलो ठीक है ये दे दो ये सिंचाई भाग का है आज मैं कर लिया सर ये तक जीते जीते रहना है क्या काम दे देना और सर एक अनुरोध करना था ये जो असंतुष्ट फीडबैक का थोड़ा सा फिर बढ़ गया पहले भी छक्का हुआ था लेकिन फिर बढ़ गया है मैं सर मोटा मोटा बता देता हूँ ये सर सर आपका सर 63 महीने 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 में पुराना तो सब जो है उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है कि बिना सिविल कोड का बिना
चेंज कैसे कर सकते हो? तीन तीन प्रकरण मेरे पास आए, एक में एसडीएम साहब के कोर्ट में, तीन में एसडीएम साहब के कोर्ट में चल रहा है, तो मैं सिर्फ मैं उस दिन देख रहा था, मैं ये नहीं पता है कि ब्रेकअप क्या है। कौन सा जिले का क्या था? पर अब ये तो सर भाई जो भाई नेम से भेज जाते हैं वहाँ से उनके लिए है सर, पद भाई है सर ये सर गोरखपुर में सर 964 इस महीने का संतोष फीडबैक है सर।